वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु नानक देव जी के जीवन काल से जुड़ी साखियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अपने आज के एपिसोड को आगे बढ़ाते हैं। अपनी यात्रा में चलते हुए गुरु नानक देव जी भाई मर्दाना और भाई बाला के साथ एक नगर में जा पहुंचते हैं। उस नगर में भाई झंडा नाम का एक गरीब रहता था। वो संतों और महापुरुषों की सेवा करने में बहुत भरोसा रखता था। गुरु नानक देव जी ने उस नगर में एक पेड़ के नीचे विश्राम किया और वहीं पर अपना आसन लगा लिया। जब नगर वासियों ने देखा कि हमारे नगर में कोई साधु महापुरुष आए हैं, तो सब गुरु नानक देव जी के दर्शन करने चले आए और सबने गुरु नानक देव जी को प्रणाम किया। जब भाई झंडा को इस बात की खबर हुई तो वो भी गुरु नानक देव जी के दर्शन करने आया। घर जाकर भाई झंडा ने अपनी पत्नी को कहा कि हमारे गांव में 3 संत आए हैं, अगर घर में कुछ खाने के लिए है तो मुझे दे दो, मैं उनकी सेवा करना चाहता हूँ। भाई झंडा बहुत गरीब थे। उनकी पत्नी ने कहा, आज घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तब भाई झंडा ने बोला, कोई बात नहीं, मैं नगर वासियों से मांग कर उनकी सेवा कर लूँगा। भाई झंडा जब नगर वासियों से मांगने गए तो नगर वासियों ने भाई झंडा को कुछ भी नहीं दिया। सभी ये सोच रहे थे कि वो संतों की सेवा के नाम पर अपने घर परिवार के लिए मांग कर ले जाता है और हर बार ऐसा ही करता है, इसलिए इस बार किसी ने भी उनको कुछ नहीं दिया। इस बात को लेकर भाई झंडा और भी चिंता में पड़ गया कि अब क्या किया जाए। जब वो निराश होकर घर वापस जा रहा था तो उसने रास्ते में देखा कि कुश्ती का अखाड़ा लगा हुआ है और वहां लिखा हुआ था कि कुश्ती जीतने वाले को 100 रुपये का इनाम दिया जाएगा और हारने वाले को 50 रुपये का। उसको देखकर भाई झंडा के मन में ख्याल आया कि क्यों ना कुश्ती लड़कर संतों की सेवा के लिए भोजन के पैसों का इंतजाम किया जाए। ये सोचकर भाई झंडा कुश्ती के मैदान में चला गया और वहां पर मौजूद पहलवान से कुश्ती करने के लिए तैयार हो गया। जब पहलवान उसके सामने अखाड़े में आया तो वो पहलवान भाई झंडा से कहीं ज्यादा शारीरिक रूप से ताकत रखता था। उसने भाई झंडा को अपने सामने खड़ा देखकर उससे सवाल किया कि तुम कुश्ती क्यों लड़ रहे हो, तुम तो पहलवान भी नहीं लगते, फिर तुम इस अखाड़े में क्यों आए हो। तब भाई झंडा ने पहलवान को कहा कि हमारे नगर में 3 संत आए हैं और मैं उनकी सेवा करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैंने नगर वासियों से मदद मांगी लेकिन उन्होंने मेरी मदद नहीं की। मेरी उन संतों की सेवा करने की इच्छा है, इसलिए मैं ये कुश्ती हारकर उनकी सेवा के लिए भोजन का इंतजाम करना चाहता हूँ। जब पहलवान ने भाई झंडा की ये बात सुनी तो उसका दिल भी पसीज गया। उसने आदर सहित भाई झंडा को कुश्ती के लिए पुकारा। दोनों के बीच कुश्ती शुरू हो गई, लेकिन कुछ ही देर बाद उस पहलवान ने जानबूझकर भाई झंडा से हार मान ली। गुरु नानक देव जी के आशीर्वाद से भाई झंडा ने जितना सोचा था उससे भी ज्यादा धन उसको मिल गया। पूरे नगर में ये चर्चा होने लगी कि भाई झंडा ने राजा के पहलवान को पटक दिया। इसके बाद भाई झंडा ने तन और मन से गुरु नानक देव जी और भाई बाला भाई मर्दाना की सेवा की। वो गुरु नानक देव जी की सेवा करके बहुत खुश हुआ।
इस तरह मन में सेवा की भावना रखने के इरादे से पैसा कमाने गए भाई झंडा को गुरु नानक देव जी ने उम्मीद से अधिक दिला दिया। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करें, साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।